अब माँ वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर लोगों को मिलेगी सुविधा। श्राइन बोर्ड ने देखभाल के लिए हेल्थ केयर का विस्तार किया है। आपको बता दें कि श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी धाम पर PMBJK यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र हेल्थ केयर की शुरुआत की है। इसके जरिए श्रद्धालुओं को आसानी से उचित मूल्य पर दवाइयाँ मिल सकेंगी। श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और आसपास के क्षेत्रों में तैनात संबंधित एजेंसियों के लिए गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के प्रयास में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने भवन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। CEO अंशुल गर्ग ने बताया कि श्रद्धालुओं की देखभाल को देखते हुए ये कदम उठाया गया है ताकि सुगमता के साथ बिना किसी परेशानी के माता के दर्शन कर सके। इस पहल से हर साल तीर्थस्थल पर आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों और क्षेत्र के अधिकारियों को सस्ती जेनरिक दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों तक पहुंच बनाना आसान होगा। तो माता वैष्णो देवी पर जाने वाले यात्रियों को ये सुविधा दी जा रही है, जिसको लेकर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है और ऐसे में लोगों को सुविधा मिलेगी और सस्ती दवाइयों का लाभ वो उठा पाएंगे, जिसमें जेनरिक मेडिसिन है, चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध है। ऐसे में इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।